हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ प्यारे से प्लांट के साथ, जिसके देखिए कितने अच्छे फ्लावर हो रहे हैं। ये देखिए, और ये साथ ही मेरा है हिबिस्कस का। इसमें फुल सनलाइट में आप इसको रखिए तो देखिए बहुत अच्छी ये हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको शेड में रखोगे तो इसके सारे पत्ते ही ग्रीन हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें कलियाँ भी बन रही हैं। ये कितना देखिए प्यारा लग रहा है ना। इधर ये है मेरा, ये है सुख शांति का। तो दोनों में ही बहुत अच्छे से मैंने दोनों सुख शांति को एक ही पोर्ट में लगा दिए, क्योंकि बड़ा सा पोर्ट था। तो इसमें भी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और इधर है मेरा ये कनेर का, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये बोगनविला है, और ये देखिए ये ड्वार्फ वैरायटी का कनेर है, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। एक मिनट बेटा, ये देखिए रोज़ का। अब इसके फूल जो हैं छोटे होने शुरू हो गए, पिंक रोज़ है, उसमें जो फूल है वो छोटे होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। बाकी के पे आ रहे थे, लेकिन जो बंदरों ने अटैक किया ना तो सारी कलियां खा गए थे। और ये मेरा वाइट हिबिस्कस है, तो ये देखिए कितने अच्छे से इस पर फूल बन रहे हैं, और ये कलियाँ वगैरह बन रही हैं। काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। इसकी मैंने बिल्कुल फरवरी में एकदम हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और अब इसकी ग्रोथ जो आई है बहुत अच्छे से निकल कर आई है। और ये मेरा दूसरा वाला है हिबिस्कस, इसकी देखिए कलियाँ देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, काफ़ी सारी इसमें कलियाँ बन रही है। इसके जो फूल है ये चार हैं चारों ही। एक फूल का मुझे दे दिया था नर्सरी वालों ने, अब जब फूल नहीं आते तो पता नहीं चलता कि कौन सा फूल निकलेगा, तो उन्होंने बता दिया इसमें ये निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन जब निकला तो ये सब से चार पोटें चार में ही सेम निकला। और ये मेरे पिछली बरसात में मेरे बहुत अच्छे से इसमें अटैक हो गया था उसका, किसका, डीमक का। तो खैर मैंने इसको बचा लिया है, चारों पौधों को सेव कर लिया है, लेकिन इसकी मैंने बहुत ही हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, जिसकी वजह से अभी इनकी ग्रोथ थोड़ी रुकी हुई है। और ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, देखिए लेकिन पत्ते कम हैं लेकिन कलियाँ ढेरों हैं। पर मुझे, मैं पर्सनली बताऊँ ना तो मुझे पत्ते चाहिए, कलियाँ थोड़े कम भी आएँ तो चलेगा। ये देखिए, ये है मधु कामनी का, ये देखिए इस पर कितनी कलियाँ बन रही हैं, देख रहे हो आप, ये देखिए। और ये सीड्स बना हुआ है इसका, इसको चाहो तो आप लगा सकते हो ज़मीन में, तो इस पर नया प्लांट रेडी हो जाएगा। इधर ये कैलेंडुला का, इसकी हालत ख़राब हो रही है, इसमें मैं बीज के लिए इसे छोड़ा हुआ है। हैं तो ये कुछ पिटूनिया का है जो थोड़े बहुत खिल रहे हैं, बाकी तो ये सूखने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, ये है मेरा गजानिया का, इसमें फूल खिला हुआ है। और ये भी, ये तो हम इसको बचा सकते हैं, अगर बरसात में हमने इन्हें बचा लिया तो ये पूरे साल हमारे पास रहेंगे। इधर ये देखिए अडेनियम का है, अडेनियम भी मेरा अच्छा चल रहा है, पत्ते सब निकल चुके हैं। इधर ये है, और गुलदावदी का, इसमें बर्ड शुरू हो गई, अप्रैल में एक बार और खिलेगा ये, उसके बाद ही फूल देना बंद कर देगा। और ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये देखिए इसकी बेबीज निकाल रहा है, नए नए ग्रोथ शुरू हो रही है। और इधर मेरा स्टॉक फ्लावर है, ये इसको भी मैंने रख दिया है ताकि इसमें से बीज में ले सकूँ, अब ये सूखने पर है। कुछ ही मैंने हैंगिंग पॉट्स इधर टांग दिए, अब इसमें मैंने कटिंग्स लगाई है, और जब ये बड़ी हो जाएंगी तो नीचे फॉल करेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी इंशाल्लाह। ये तीन लगा दिया, अभी एक वहाँ पर रह गई, एक ही मैंने नया सेटअप रेडी किया है अपना। ये देखिए, ये कुछ मेरे पास रखा हुआ था स्टैंड, मेरे हस्बैंड का था, उनके फैक्ट्री का कपड़े वगैरह नापने का, तो वेस्ट था तो मैंने इसे यहाँ लगा लिया, ऐसे नीचे पौधे लगा लिए। अब जितने भी मैं समर के जितने भी फूल वाले पौधे मैं हैंग करूँगी वो मैं इसमें करूँगी, इस तरीके से कुछ यहाँ पर हो जाएंगे, कुछ ऐसे ही पूरी जगह खाली है और यहाँ हो जाएंगे। और ये मेरे जेट प्लांट है, तो मैंने टोपियारी बना रखी है, सब कटिंग से लगे हुए हैं। इधर देखिए, ये मेरा, ये मैंने कटिंग से डैंथस लगाया था, और ये इतनी अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए कितना अच्छा हेल्दी प्लांट है। और ये भी मैंने कटिंग से लगाया तो चल जाता है इजली। ये मेरा लैंटेना है, ये मोरपंखे वगैरह है। ये देखिए, इसमें है ये कैलनचूका, इसमें भी हम फ्लावरिंग हो गया, अब ख़त्म होने पर है। एक ये है कैलनचूला का, इधर हो रही है और इधर ख़त्म पर है, इसको भी मैं अब काट दूँगी वरना तो इस पर अटैक आ जाएगा कीड़ों का। ये देखिए कटिंग्स मेरी, ये मैंने लगाई थी कॉलियस की कटिंग, ये देखिए ये लगाई है, और इधर ये लगाई है, इसकी भी मिट्टी चेक कर लेते हैं, गीली है। ये कैरस क्रेसुला का है, सब अच्छे चल रहे हैं। मैंने कोचिया ले ली, गर्मियों का बेस्ट प्लांट है कोचिया, तो अगर आपके पास ना हो तो आप इसे ज़रूर खरीदिए, हरियाली के लिए बेस्ट है। फिर आ जाते हैं, ये एक और सकुलेंट प्लांट है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता, तो मैंने धूप से बचाने के लिए इसको यहाँ पर रख दिया है। एक सकुलेंट ये है, देखते हैं गर्मी में बच पाते हैं या नहीं, बच गए तो मैं कहूँगी आई एम द बेस्ट।
और एक ये है, इधर ही छोटे छोटे पॉट्स मैंने यहाँ पर कैक्टस का सकुलेंट के रख दिए हैं। बाकी देखिए मेरे जो बंदरों ने ख़राब करा था ये सारा है ख़राब हो चुका है, और पर मैं भी पूरी ज़िद्दी हूँ, मैंने एक और नया ख़रीद लिया है क्योंकि पाम जो है मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए ये पाम मैंने एक और ख़रीद लिया है क्योंकि मैं जो सेट बना रही हूँ ये बीच में बड़ा पाम है, दोनों तरफ छोटे पाम है, इस तरह से मैं यहाँ पर एक अच्छा सा लुक क्रिएट करना चाह रही हूँ। ये सब मैंने टाइल्स के ऊपर ईंट लगा के टाइल्स के ऊपर ये हाइट देने के लिए कर रखा है। ये सिंगोनियम है, ये सब बहुत अच्छे से चल रहे हैं, ये तो प्लांट्स बहुत हैं। हाँ लेकिन आज के लिए इतना ही, रोज़े में इससे ज़्यादा नहीं बोला जाना मुझसे। तो अभी के लिए छोटी सी अपडेट मुझे देनी थी क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रही रोज़े की वजह से, तो जब रमज़ान के ईद के बाद देखते हैं। अभी तो इसको देख के दिल खुश हो रहा है। चलिए तो प्लीज़ फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।